अच्छा कार्यक्रम हम लोग हर साल ये गरीब नवाज का उरूस बनाते हैं। हम लोग हर साल संदल निकालते हैं, इस साल कुछ अलग के 10वां साल था हम लोग का उरूस का। इसके लिए इस साल हम लोग ने इसको कवाली रखे, सब रखे, खाना रखे हैं पब्लिक के लिए। ये हमारा 10 साल से चल रहा है। हम लोग ये हर साल अपना चादर अजमेर शरीफ में बेचते हैं और हमारा पहला थोड़ा छोटा होता था, अभी हमने थोड़ा बढ़ाया है, इंशाल्लाह आगे तक और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो छोटे हमारे सब हमारे जो मेंबर है मुफ्ती की अपना समाज हो गया, हमारे जो भी दोस्त लोग हैं इन लोग की जरिए से सब कुछ चल रहा है। कवाली तो ये कवाली तो हमने अभी ये स्टार्ट ये साल से चालू किया है, इंशाल्लाह अगले साल में भी ऐसे ही चालू रहेगा, कोशिश इतना ही चालू रहेगा हमारा सब यही है। मेरा नाम हैदर है। ये कार्यक्रम 10 साल से कर रहे हैं, पीछे 10 साल से, लेकिन आज ये हमारा जो कार्यक्रम है जो आप इतना बड़ा देख रहे हैं, ये आज हमें 10 साल हुआ है, इसीलिए हमने इतना काफ़ी बड़ा पैराम में ये किया है। जो आप देख रहे काफ़ी हमें सपोर्ट मिला है, काफ़ी हमारी जो मालवनी की जनता है काफ़ी हमें सपोर्ट किए है, हमारे यहाँ के जो मालवनी के आमदार श्री अष्टम शेख जी उनका भी काफ़ी हमें सपोर्ट है, और जो हमारे ये जो फंक्शन हमने रखा है मेरे गरीब नवाज न्याज कमेटी की तरफ से, काफ़ी जो मेंबर्स देख रहे हैं आप लोग, ये जो कार्यकर्ता है काफ़ी मेहनत की है हमने इस कार्यक्रम को प्रोग्रेस करने में। सॉरी, चद्दर किस दिन आप चढ़ाएंगे? चद्दर इंशाल्लाह हमें 1-2 दिन में अभी चढ़ा जाएगी, 4 तारीख। ओके, थैंक यू। मेरा नाम इब्राहिम शेख है। शान में जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, तो आज 805वां उर्स है राजा साहब का, और ये राजा साहब जो हमारे हिंदुस्तान की शान है उन्हीं की शान में ये कार्यक्रम हमने लिया है, और ये कार्यक्रम जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है इनके उत्साह आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस उत्साह से राजा साहब के कार्यक्रम में यहाँ पे सब हाजिर हुए, आप लोग जानते हैं देख रहे हैं यहाँ पे। जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हकीकत ख्वाजा को चाहने वाले हैं तो वो सब अच्छे काम करें और अच्छे अमल करें, मैं एक जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, और हमारे नौजवानों को भी जो उनमें जज्बात है उस जज्बात का सही जगह पे इस्तेमाल करें, और अपने जज्बात से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आवाम को और कौम का नुकसान हो या आवाम का नुकसान हो किसी का नुकसान हो, ऐसा कोई काम हमारे नौजवानों को नहीं करना चाहिए। ये ख्वाजा साहब की छठी जो मना रहे हैं ऐसी छठी मनाना चाहिए शांति के साथ, जो शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए, और ऐसे नौजवानों से और जनता से मेरी एक अपील है, ख्वाजा साहब जो है हिंदुस्तान के शान है और हिंदुस्तान की जान है, तो ऐसे शान और शौकत के कार्यक्रम के अंदर उनकी शान और शौकत ऐसी बढ़ जाती है उनके नाम से।